दोस्तों एक मछली मलगी पकड़ाया है। हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए चलते हैं नदी में मछली पकड़ने। नदी में के पानी सूख गया है, थोड़ा थोड़ा पानी है, तो चलिए चलते हैं। कौन सा मछली पकड़ाता है उसी मछली को हम रेसिपी बनाएंगे, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों तो चलिए हम नदी में पहुंच गए हैं, आप लोग देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी बचा हुआ है, तो चलिए देखते हैं कौन सा मछली पकड़ाता है। तो चलिए हम पकड़ना शुरू करते हैं, तो चलिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों गरई पकड़ लिए हैं, तो चलिए इसको गमला में हम रखते हैं। दोस्तों एक मछली मलगी पकड़ाया है। दोस्तों एक और मलगी पकड़ा गया है। दोस्तों एगो बड़का गो मलगी पकड़ाया है, इसमें थोड़ा पानी रख देते हैं, वरना चलते रहेगा। और देखते हैं पकड़ करके, दोस्तों तो चलिए हम मछली पकड़ लिए हैं, मछली में मलगी है, गरई है, तो चलिए आज इसी मछली को हम रेसिपी बनाएंगे, तो चलिए हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी किचन की ओर। Thank you.
दोस्तों मछली पकड़ करके नदी से ले आए हैं, तो चलिए नीचे रखते हैं। तो चलिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए ये मलगी मछली है, तो चलिए इसको हम बनाना अब शुरू करते हैं। पेट जो है से थोड़ा काट देते हैं, इस तरह कट लगा देंगे। इसमें जितना रहता है तेल मसाला सभी बराबर हो जाएगा, मलगी मछली के चुइया नहीं होता है, ये चिक्कन मछली है। तो चलिए इसको पेट हम काट दिए हैं, तो चलिए इसको हम रखते हैं। इसी तरह सभी मछली के बारी बारी से हम कट लगा लेंगे। तो ये मलगी मछली का वीडियो बनाने का तरीका कैसा लगता है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह सभी मलगी मछली के पेट के कट लगा लिए हैं, तो चलिए इसको बढ़िया से हम पानी से साफ कर लेते हैं। दोस्तों मलगी मछली में नमक हम डाल देते हैं, नमक डाल दिए हैं इसलिए जे मलगी मछली में बहुत कांटा नहीं था, धार होता है, इसलिए इसको हम लकड़ी से बढ़िया से मिला देंगे। हाथ से नहीं मिलाएंगे क्योंकि हाथ कट जाएगा, इसको हम लकड़ी से बढ़िया से मिला देते हैं। सभी कचरा उचरा जितना रहेगा सभी कट जाएगा, सभी कचरा नमक के साथ कट गया है। तो चलिए इसमें हम पानी डाल करके उसके बाद हम धोएंगे। मलगी मछली हम धो लिए हैं, तो चलिए हम थाली में रखते हैं। दोस्तों एक पानी से धो लिए हैं, तो चलिए दोबारा पानी से फिर से हम इसको धोते हैं। दोस्तों दो पानी से तो धो लिए हैं, तो चलिए फिर से एक पानी से और धो लेते हैं। दोस्तों लगता है मलगी मछली बढ़िया से साफ हो चुका है, तो चलिए हम इसको निकाल करके अब थाली में रख लेते हैं। दोस्तों मलगी मछली धो करके रेडी कर लिए हैं। दोस्तों ये मलगी मछली के लिए मसाला ले लिए हैं, ये मसाला में क्या क्या है वो बताते हैं। ये लहसुन है, ये साबुत धनिया है, ये लाल मिर्च है, ये हल्दी है, ये हरी मिर्च है। तो ये मसाला साबुत है, इसको हम पत्थल पर तैयारी करेंगे। अब पीसने से पहले हम सबसे पहले हम पत्थल के धो लेते हैं, पानी से साफ कर लेते हैं। दोस्तों बढ़िया से हम पत्थल धो करके रेडी कर लिए हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लहसुन पेस्ट तैयारी करेंगे। पीस लेते हैं पत्थल का। दोस्तों लहसुन पेस्ट तैयारी हो गया है, तो चलिए इसको हम उठा लेते हैं, ये जगह रख देते हैं। चलिए इसी तरह हम बारी बारी से सभी मसाला पीस लेंगे। सबसे पहले मिर्चा पीस लेते हैं, तो चलिए अब मिर्चा हम पीस लेते हैं। दोस्तों मसाला पीस करके रेडी कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम उठा लेते हैं। मसाला पीस करके रेडी कर लिए हैं, उसके बाद हम पीला सरसों पीस लेते हैं। पीला सरसों भी पेस्ट पीस लिए हैं, तो चलिए इसको हम उठा लेते हैं। दोस्तों मलगी मछली के लिए मसाला तैयारी कर लिए हैं, तो चलिए उसके बाद हम चूल्हा जोड़ लेते हैं। दोस्तों चूल्हा जोड़ लिए हैं, तो चलिए मछली फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। दोस्तों चूल्हा जोड़ करके रेडी कर लिए हैं, तो चलिए मछली में सबसे पहले हम लहसुन पेस्ट और हल्दी पाउडर बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। हल्दी पाउडर डाल देते हैं, उसके बाद लहसुन पेस्ट डाल दिए हैं, उसके बाद थोड़ा नमक डाल दिए हैं। तो चलिए सभी को हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं।
दोस्तों मलगी मछली में बहुत ही हल्दी पेस्ट और लहसुन पेस्ट सभी छहलता है, बढ़िया से नहीं पकड़ रहा है, तो चलिए फिर भी ठीक है दोस्तों। तो चलिए तेल गर्म हो गया है, तो चलिए हम इसमें मलगी मछली डालते हैं। एक तरफ मलगी मछली हो गया है, तो चलिए इसको हम लौट देते हैं। दोस्तों मलगी मछली बढ़िया से हम तेल में छान ली है, तो चलिए निकाल देते हैं। तो चलिए फिर से मलगी मछली हम डालते हैं। दोस्तों चलिए मलगी मछली खानी है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। मलगी मछली फ्राई करने वाला वीडियो आपको कैसा लगेगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये मलगी मछली हम अपने गांव के तरीका से देसी अंदाज में बनाते हैं। हमारे गांव में ये मलगी मछली बहुत ही लोग पसंद करते हैं, तो चलिए हमारे मलगी मछली खाना करके रेडी हो गया, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। दोस्तों मलगी मछली फ्राई कर लिए हैं, तो चलिए इसके लिए हम पीला सरसों डालते हैं। पीला सरसों डाल दिए हैं, तो चलिए हम मसाला फ्राई करते हैं। मसाला डाल दिए हैं, तो चलिए इसको बढ़िया से हम चला देते हैं। मसाला फ्राई हो गया है, तो चलिए स्वाद अनुसार हम नमक डालते हैं, इसको बढ़िया से हम चला देते हैं। तो बढ़िया से मसाला फ्राई हो गया है, तो चलिए इसे रस के लिए हम पानी डाल देते हैं। पानी डाल दिए हैं, तो इसको बढ़िया से मिला देते हैं। दोस्तों मलगी मछली के लिए रस बन करके तैयारी हो गया है, तो चलिए इसमें हम मलगी मछली के डाल देते हैं। मछली डाल दी है, तो इसको थोड़ा चला देते हैं। मछली में सभी मसाला नमक सभी बराबर हो जाएगा। दोस्तों मलगी मछली बर्न करके तैयारी हो गई, तो चलिए उतार करके नीचे रखते हैं। दोस्तों मलगी मछली बना करके तैयार कर लिए हैं, तो चलिए देखते हैं मलगी मछली खा करके मलगी मछली का स्वाद कैसा बना है। साथ में चावल ले लिए हैं, तो चलिए दोस्तों मलगी मछली साथ में चावल है, तो चलिए खा करके देखते हैं कैसा स्वाद बना है। दोस्तों मलगी मछली और चावल खाने में बहुत ही जबरदस्त लगा है। ये वीडियो देखने में आपको कैसा लगेगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाय बाय।